सर आज पे पत्थर पे सोए भाई पत्थर सोए पत्थर वाले ऐसी बात ही आगे पत्थर पे सोना बड़ा भाई लोग थे अपने जिन्होंने हम लोग होस्ट किया बेहतरीन सुबह नाश्ता भी दिया इतना अच्छा नाश्ता है कि हम लोग बस अब गेट सेट को निकल जाएंगे यूजली वैसे यहाँ पर बहुत कम क्राउड है चिटकुल ओवरऑल ज़्यादा लोग रुकते ही नहीं सांगला ज़्यादा लोग चलो निकला जाए ना भाड़ी से भाड़ी भी साफ करनी है भाई जो भी यहाँ पर है इतने हाउस हैं यहाँ पर सराउंडिंग्स तो तगड़ी थी भाई पहले उधर के होटल्स ट्राई कर रहे थे कि वैली का व्यू मिलता है कि साला पैसे नहीं कम हो रहा था यहाँ भी कौन से कम हुआ ठीक है ओयो का था सनी स्नो व्यू ऊपर ऊपर सेकंड फ्लोर मजे थे ठीक थे ना गाड़ी वार्म अप हो रही है मस्त एक बार में स्टार्ट हुई है भाई आज हर जगह हो जाए बस पेट्रोल में नहीं होता उतना डीजल में दिक्कत होती है जरा एक बार ऐसे चुपके देखो बेहतरीन है यार क्या तारीफ करूंगी इसने तुम्हें बनाया निकल रहे हैं बहुत ज्यादा जिगेंटिक व्यू सकता हूं माहौल देखो यहाँ जैसे वो हुआ ना लैंडस्लाइड पत्थर पत्थर यहाँ नहीं उधर अरे इधर भी गिरा है भाई रोड पे ये देख रहे हो जैसे तो भूस्खलन है खाई डाइविंग करने लेके जा रहा है इफ यू आर मैरिड डेवोर्स स्पीड
भाई एक डिफरेंट रीजन है। आप ऐसे समझो कि दो बड़े पहाड़ों के बीच में जो एक कर्व रहता है, जो यू शेप कर्व होता है, जिसे वैली लोग बोलते हैं, उस वैली में पूरा किन्नौर बसा है। किन्नौर का एक हेडक्वार्टर था जो रेकोंगपियो है। वाई कॉल इट हेडक्वार्टर क्योंकि एकमात्र शहर है पूरे किन्नौर रीजन का, बाकी सब ग्राम पंचायत है। तो अभी जिस तरह बढ़ रहे हैं, ये एग्जिट है अपर बेल्ट ऑफ किन्नौर, रेकोंगपियो मिडिल बेल्ट ऑफ किन्नौर, और जहाँ से हमने वो हैंगिंग क्लिफ वाला एंटर किया था वो लोअर बेल्ट ऑफ किन्नौर है। भाई बहुत बढ़िया चीज़ है बताने वाली कि सड़क बहुत अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत तो है ही है, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी गाड़ी चलाने। अब इसके बाद फिर नाको, फिर आगे बढ़ते जाएंगे जब तक काजा नहीं आता। भगवान साथ दिए तो कुंजुम पास करके मनाली की तरफ से वापसी, नहीं इसी रूट से वापस। सारे पहाड़ एक जैसे दिखते होंगे, पर जो आंखें देखती है ना उनमें डिफरेंस पता चल जाता है। क्या कैमरा देखोगे सब पहाड़ी चीजों को बर्फ पड़ी, लेकिन आंखें देख रही नहीं, उनपे तो त्रिशूल बना हुआ था, उनपे तो उंगली बनी थी, इनपे तो एकदम चौड़ा छाती ऐसा है बड़ा सा, एकदम सामने है भाई। पता नहीं कितने पहाड़ पार करने हैं, ये तो बहुत पास लग रहा है। अभी पीछे एक चेकिंग हुई, चेकिंग क्या मतलब नॉर्मल रूटीन आपका, कहाँ जा रहे हो, कहाँ रुके थे, कितने लोग हो, ड्राइव कौन कर रहा है, ख्याल में कर चलावत मस्ती करने आया तुम लोग। हाँ सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दोनों, मस्ती कर रहे हैं, छुट्टी लेके आए हैं। अच्छा अच्छा जाओ मजे करो, मजा आई भाई। चल भाई पहुँचते हैं नाको, 1 घंटा 53 मिनट, 75 किलोमीटर। यारो बिजली वाले दोनों लोग ऐसा लोग काम किए चढ़ चढ़ के, कितना मुश्किल। इनका काम पहले हुआ हुआ बिजली वालों का, उसके बाद चढ़ के तो बनती रहती है पता। भाई लैंडस्केप देखिए कितना और पास पहुँच गए, बहुत प्यारा यार पीयूष भाई, क्या जबरदस्त स्मूथ से रगड़ी चली जा रही है बस, कोई दिक्कत नहीं ना ब्रेकिंग ना हैंडलिंग, पूरी गाड़ी लेन में रहेगी बहुत प्यार से, जब जाओगे तब कंट्रोल पाएगी। बस वो जो चिटकुल वाले पतले पहाड़ थे बाबा, उसमें जब गाड़ी मुड़ती थी ब्रेक लग जाए, उसमें इतनी बजरी टाइप पहाड़ की चोटियां हैं, डिस्केट डिस्केट हो जाता है सुर, एबीएस एबीएस वहां काम नहीं करता। फिर एक और चेकिंग, कैमरा बंद कर देना। जाना तो ठीक है, पर ये है कैसा, मिट्टी का पहाड़ है भाई, पूरे इधर भी मिट्टी के हैं। गाड़ी चल रही है इसी में, वो सब ऊपर सनरूफ पे खड़े होके लिए हैं, देखिए तो इसी सब जगह। भाई साहब क्या यार, ये सब बनाते थे क्या हम लोग ड्राइंग में ऐसे कभी? रब जाने मैं ना जाने फिर कदे हो आंगी मुलाकात। This is where you get the finest apples in the world. OMG, is that? Pooh, इसलिए famous है Pooh? अरे Pooh और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। 25 किलोमीटर, यही Pooh, यही Pooh में पिलो 1 किलोमीटर।
था, स्पिलो से आता है। देख लें कि रास्ता ऐसा है कि भैया आशीर्वाद की जरूरत है। पूरा रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं और लाइनिंग भी ये रिफ्लेक्टर प्रॉपर। हाँ रात में भी ये देखो लेफ्ट में लगे हुए हैं ना, रात में भी आपको बहुत काम देगा ये। बस अच्छी बात है आप रात में कर सकते हो, बस ये रहता है। बहुत बढ़िया गार्ड पता है पहाड़ों पे कंपैरेटिवली हमने देखा है लोग नाइट ड्राइव इस तरह की जगहों में सेफ है, क्योंकि आप लाइट देख लेते हो कौन सी गाड़ी कहाँ आ रही है, मोड़ वोड़ में लाइट पड़ जाती है, उससे पहले बहुत पहले ही आदमी चौकन्ना हो जाता है अचानक वाला। नहीं नशे में चल रहे हो, नींद आ गई, वो सब भैया नाको जाने के लिए इधर नाको रोपा वैली रोपा वैली डेस्टिनेशन चलेगा रोपा वैली ले गया ये राइट करके हम लोग नाको के लिए जा रहे थे रोपा वैली ऑफ ही डेस्टिनेशन। चेस्ट है ऐसे जैसे जैसे भगवान कह रहे हैं क्या बेटा कहाँ है उधर देखो। उधर भाई इस पे देख कैसे बर्फ गिर रही है, वही है पुराने वाले जिस पर बर्फ नहीं यार। हाँ वही है वो बहुत टॉप भाई, वो बहुत ऊंचे हैं और हम अब नीचे चल रहे हैं, हमें दिखेंगे देख फेस कितनी देख हम लोग कई वो दिख रही है किलोमीटर हमको 38 ही जाना है, आगे बढ़ता है ना ये अगले दिन तो एक वाइट झरने से पानी भर के लेके जा रहे हैं। एक और चेक पोस्ट पे इन्होंने ये वाले पुलिस वाले चेक पोस्ट पे इन्होंने बोला कि भाई आपके एंट्री के अलावा मुझे गाड़ी कागज भी देखने, जब तक आप कागज लेके गए वो सारा चीज निकाल लिए अपने मोबाइल में। मैंने दिखा ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया, मैं वही ओनर भी वही हूँ, यहाँ पर भी नॉर्मल आप जानकारी दे दो कहाँ से आए हो, कहाँ रुके थे रात में, कहाँ जा रहे हो, कितने लोग हैं, गाड़ी का नंबर, कौन चला रहा है, ओनर कौन है, दैट्स ऑल। एक और चेक पोस्ट होपफुली मिलना चाहिए नाको से पहले, देख क्या हुआ तो निकलना है ना फटाफट 33 किलोमीटर और तब नीचे अटके हुए बड़े बड़े को कैसे पत्थर। एक ब्रिज आ रहा है शायद खाब ब्रिज, खाब एरिया स्टार्ट होते हैं भाई, ओल्ड ब्रिज है एकदम पुराना वाला, क्या लिखा है संगम है यहाँ पर स्पीति रिवर और सतलज रिवर का, बहुत ही सुंदर दिख रहा है दोनों के पानी के कलर एकदम अलग है। ये तो सब बताते हैं लेकिन कुछ और भी बताना है जो ये वैली देखो भाई साहब, भाई प्लीज यहाँ खींच दो यार कहीं ना जाओ। स्पीति रिवर अब हमारे साथ साथ चलेगी, सतलज रिवर का कनेक्शन जो था मर्जिंग पॉइंट वो जस्ट पीछे था, खाब ब्रिज इज द प्लेस नेम राइट। वहाँ हम लोगों ने कॉफी पी, जबरदस्त कॉफी भाई मस्त, इतनी ठंडी हवा चारों तरफ, और राइट में हमें जो वैली दिख रही थी तगड़ी वाली वैली उसपे पूरे भयंकर स्नो पीक माउंटेन्स थे। हमें बाद पता चला कि वो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है भाई, रियो पुरगिल, मतलब कौन जानता है ये नाम जल्दी से, मतलब कोई याद भी नहीं रखता, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है वो, और उसका पूरा रिज एक फेस पूरा दिख रहा था हम लोग को।
पीपल और जो लोकल है वो कह रहे हैं कि इसके जस्ट बाद आप रिवर साइड की डिस्टेंस देखते हो तो आपको मात्र 7 किलोमीटर के अंदर आपको चाइना दिख जाता है, मिल जाता है। एंड बाई रोड अगर सीधे सीधे बन जाए तो समझ लो 15 किलोमीटर में आप चाइना पहुंच जाते हो। उसके बाद नो मैंस लैंड है जो करीब 500 किलोमीटर का हो सकता है, लेकिन आप 500 किलोमीटर जिस तरफ सर घुमाओ इतने बड़े बड़े स्नो कैप माउंटेन्स गिरे हैं हम लोग उससे भाई, कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है, देख लो चाहे तो। ये देखो भाई, आय गजब, आय बाले भाई साहब, गजब, बहुत सुंदर यार, कभी सोचा ही नहीं था यार ये सब व्यूज के लिए। नहीं यार ऐसा नेचर ऐसा है, देख लो भगवान ने बनाया है इधर। लेपट पे ऐसी स्ट्रेट सड़क अलग है यार भाई, क्या लैंडस्केप है यार, रोड देखो आप यार, भगवान बीआरओ सबको यार सही बात है, बीआरओ को थैंक्स बोलना चाहिए यार, इतनी दूर से हम लोग चल रहे हैं, मुझे लगता है सड़क वो है भाई, वो विलेज भाई ऊपर देखो यार, वो देख भाई वहां कहीं जाना है हम लोग को, माय गॉड देख नाको, मुझे लग रहा है वो विलेज है, हां होगा करीब 7 किलोमीटर ही जाना है, 7 किलोमीटर होगा भाई, कभी सोचे नहीं इतना ऊपर भी हम लोग मोटर रोड से जाया जा सकता है, इतनी ऊपर बनाया गया है यार, मतलब मैं इतना तो जान लिया कि अगर आप स्पीति आने का सोच रहे हो चट्टानों को तो नाको तक तो आप ऐसे आओगे उड़ते हुए, बिल्कुल अगर आप चाहो तो उड़ते हुए आ सकते हो, बहुत तेज आ सकते हो, लेकिन सिर्फ नाको आना हो तो लेकिन रास्ते भर के ऐसे व्यूज है कि आप ना चाहते हो भी रोकोगे यार। फाइनली थोड़ी रात हुई लेकिन फॉरेस्ट रेंजर अंधेरा होने से पहले मजा आएगा, चलो होटल देखा।